हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि लिनक्स का बैकग्राउंड क्या है एंड देन आई लेट यू इंट्रोड्यूस विद द लिनक्स. सो लेट्स गो. सो आज हम क्या लर्न करेंगे, व्हाट वी लर्न इज लाइक लिनक्स क्या है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है और क्या रीज़न है कि जो आप लिनक्स यूज़ करें, कि मतलब देर आर सर्टेन एप्लीकेशन जो प्रेफर करते हैं लिनक्स को ओवर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Let's go to next slide. Linux क्या है? So, अगर आप ऐसे देखेंगे तो Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जो है वो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जो हमारा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं. ये हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हम इसके थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं प्रिंटर पे, हम अपने वेरियस यूजर्स को मैनेज करते हैं और भी बहुत ऑपरेशंस हैं दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स को हम एज अ कर्नल भी बोलते हैं. जो कर्नल होता है वो क्या होता है, हमारा हार्ट होता है फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक ये एज अ लेयर एक्ट करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस, और आप कह सकते हो कि ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में. अब लिनक्स क्रिएट किसने किया था? लिनक्स जो है वो लिनस टोरवल्स ने क्रिएट किया था. लिनक्स जो है वो अर्ली 1991 में उन्होंने IBM का एक सिस्टम परचेज किया था जो MS-DOS पे वर्क करता था, बट उसको यूज करने पे ही वॉज इन दैट सेटिस्फाइड. तो उन्होंने क्या किया, ही वॉन्ट टू वर्क ऑन यूनिक्स, तो तब ही ट्राई टू बाय द यूनिक्स बॉक्स, जो उन्हें पता चला कि उन्हें लगभग $5,000 US ही हैज टू पे टू गेट द यूनिक्स बॉक्स. Then he decided कि I want to build a Linux system. तो काफ़ी सारे associates के साथ मिल के he built the distribution, like he built the Linux जो हम use कर रहे हैं अब आजकल. And जो उन्होंने first version निकाला था वो निकाला था उन्होंने 1994 में. And Linux जो है वो हमारा free open source है, like आपका जो source code है that is like totally free. Though there are certain component of Linux, like for example, if I say Red Hat Enterprise Linux, उसके लिए आपको you have to purchase a license. हालांकि जो उसका सोर्स कोड है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं एज अ फ्री कॉम्पोनेंट. इट इज बिल्ड फ्रॉम दी स्क्रैच, इट इज नॉट यूनिक्स, बट हाँ आपकी जो कमांड लिनक्स पे चलती हैं उसकी सिमिलर कमांड थोड़ा बहुत मे बी चेंज हो, बट दे कैन बी रन ऑन द यूनिक्स बॉक्स एज वेल. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम रेफर कर रहे हैं तो हम जो है वो लिनक्स कर्नल का कॉम्बिनेशन विद एडिशनल सॉफ्टवेयर्स, लाइक उनके साथ में जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको कंबाइन करके हम जो है वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. मार्केट में बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हैं. हर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो अलग गोल होता है, उनके जो फोकस एरिया होते हैं वो अलग होते हैं. इट डिपेंड्स कि आपका चॉइस क्या है, मतलब आप क्या अकम्पलिश करना चाहते हो, उस बेसिस पे आप अपना जो है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करेंगे. अगर आपका कमर्शियल यूज है तो आप कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन चूज करेंगे, और या फिर अगर आपको सिर्फ अपने घर में यूज करना है, अपने डेस्कटॉप पे यूज करना है, तो उसके लिए आप नॉन कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर सकते हैं. अगर आप कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर रहे हैं तो यू माइट गेट द सपोर्ट, इफ यू आर पेइंग देन यू कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम लिनक्स इंस्टीट्यूशन एज वेल फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन. एंड मार्केट में थाउजेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर अवेलेबल. लेट्स जस्ट लुक ओवर. अगर आपको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन गो ऑन distrowatch.com, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स. वन इज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, another is Fedora, the next one is Ubuntu, Debian, SUSE, OpenSUSE. Any of the distribution you can choose, and इनमें से अगर आपको किसी के बारे में भी information चाहिए you can go on distrowatch.com and just read about it. Let's go to next slide. यहाँ हम देखेंगे कि हम Linux क्यों use करें. अब Linux को हम क्यों use करें उसके various reasons हैं. I have listed here as well. So let's see and I'll explain each of the one. लिनक्स जो है हमारा किसी भी हार्डवेयर पे रन कर सकता है, लाइक अनलाइकली यूनिक्स. यूनिक्स का क्या होता है कि जैसे अगर यूनिक्स सिस्टम है कोई भी, फॉर एग्जांपल HP UX है, तो वो सिर्फ HP के सर्वर्स पर रन करेगा, या अगर AIX है तो वो सिर्फ IBM के सर्वर्स पर रन करेगा. बट लिनक्स इज लाइक कि आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, आप अपने फोन्स में रन कर सकते हैं,
आप उसे अपने कंप्यूटर्स पे रन कर सकते हैं एंड इवन सुपर कंप्यूटर्स पे भी आप उसको रन कर सकते हैं. एंड जो स्मॉल फुटप्रिंट है लिनक्स का, दैट हेल्प इट टू रन ऑन ओल्डर सिस्टम्स एज वेल एंड इवन द एम्बेडेड सिस्टम्स. लिनक्स जो है अपनी स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड उसका जो यूजर फ्रेंडली है, लाइक इट इज़ वेरी सिक्योर, उसके फीचर्स जो हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. और ये इससे इस मतलब लाइक ऑल दीज फीचर्स मेक इट वेरी ग्रेट फॉर सर्वर्स यूज. लाइक आप इसको रन कर सकते हैं उन सर्वर्स के लिए जहाँ पर आपको मिनिमम डाउन टाइम चाहिए या यू डोंट वॉन्ट टू हैव एनी डाउन टाइम, देयर यू कैन यूज लिनक्स. वैसे तो लिनक्स जो है आपको फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड है, लाइक दो यू कैन डाउनलोड द सोर्स कोड इजिली. अगर आप इसको घर के लिए यूज करना चाह रहे हैं तो आप टोटली फ्री सोर्स इसका यूज कर सकते हैं. आप लिनक्स डाउनलोड कर लीजिए जो आपको सिर्फ अपने लैपटॉप पे यूज करना है, डेस्कटॉप पे यूज करना है उस पर्पज के लिए, तो इट विल नॉट गोना कॉस्ट यू, लाइक इट विल बी फ्री. कमर्शियल यूज के लिए हाँ, आपको अगर लाइसेंस्ड वर्जन जैसे रेड हैट एंटरप्राइज वर्जन आपको चाहिए देन आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा. सो इट इज गिविंग यू अ वाइड वेराइटी. लिनक्स ट्रेडिशनली जो सर्वर है दैट कैन बी लाइक एप्लीकेशन जो है उन लोग के लिए यूज होता है. आप इससे वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हैं, इस पे आप इवन एक फाइल सर्वर बना सकते हैं एंड इवन इट कैन रन एज अ डीबी सर्वर. तो इट गिव्स यू अ चॉइस लाइक आप किस लिए अपना लिनक्स को यूज करना चाहते हैं. एंड इवन अगर लेट्स से यू हैव अ लिनक्स सिस्टम जिसके साथ बाय डिफॉल्ट कोई क्लाइंट आया है आपको नहीं पसंद, आप उसको चेंज करके कोई न्यू क्लाइंट उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं. आपको ये फ्रीडम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइडेड है. सो दैट्स ऑल लाइक हेयर लिनक्स हैज गिवन यू. दीज आर द गुड पॉइंट्स अबाउट लिनक्स. इफ यू वांट टू समराइज देन वी विल समराइज लाइक लिनक्स हमारा क्या है. लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लिनक्स का जो हार्ट है दैट इज लाइक कर्नल. वी से कर्नल एज द हार्ट ऑफ द ओएस. लिनक्स जो है हमारा लेयर है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में. आप इसे अपने डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. देर आर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल. हम आगे पढ़ेंगे कि हम RHEL क्यों यूज कर रहे हैं और अगर हमें RHEL नहीं यूज करना तो व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव गॉट जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारा गोल है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का. सो हेयर आई समराइज दिस सेशन एंड इट says everything about Linux, like आपको क्यों use करना चाहिए and how it is being beneficial to you. Thank you.